हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, गर्मी में बच्चों को मच्छर काटने की समस्या बहुत हो जाती है, तो आप उसको कैसे पहचाने और उसका कैसे घर पर इलाज कर सकते हैं। मच्छर काटना गर्मी में आम बात है, लेकिन कभी कभी कोई जहरीला मच्छर भी बच्चों को काट लेता है, तो आप बच्चों को उससे कैसे बचाएं, क्योंकि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर किसी जहरीले मच्छर ने आपके बच्चों को काट लिया है तो बच्चों को बड़ी परेशानी भी हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मच्छर होने के कारण की। घर के आसपास अगर बहुत अधिक गंदगी है, नाली है, खुली नालियां बनी रहती हैं घरों के बाहर, तो उसकी वजह से भी मच्छर बहुत अधिक मात्रा में पनपते हैं। बहुत लोग घर के डेकोरेशन करने के लिए पानी वाले पॉट्स रखते हैं, और गर्मी के दिनों में जिनमें मच्छर पनप जाते हैं और घर में उनके कारण भी मच्छर हो जाते हैं। मच्छर पसीने की खुशबू से भी अट्रैक्ट होते हैं और वो बच्चे को काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा सुगंधित चीज़ों पर भी मच्छर अट्रैक्ट होते हैं और घर में प्रवेश कर जाते हैं और बच्चे को काट लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कहीं भी पानी इकट्ठा रहता है और खुला रहता है, तो उस हर जगह मच्छर पनपने के कारण ज़्यादा होते हैं। और भी बहुत कारण है दोस्तों मच्छर होने के। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे को मच्छर ने काट लिया है तो आप कैसे पहचाने। अगर आपके बच्चे को मच्छर ने काटा है और उसके शरीर पर कहीं भी लाल लाल दाने हो रहे हैं, छोटा दाना है, अगर एक साथ बहुत सारे दाने हैं, तो वो एलर्जी या घमौरे की समस्या हो सकती है। लेकिन बच्चे को अगर थोड़ा सा मोटा और लाल दाना मान लिया, यहाँ हो रहा है, एक यहाँ पर है, तो ये मच्छर काटने की समस्या हो सकती है। अगर बच्चे के शरीर पर कोई काला दाना है तो ये भी मच्छर का निशान हो सकता है। अगर बच्चे की स्किन पर कहीं भी थोड़ा सा सूजा हुआ है और उसके ऊपर सफेद निशान है, तो ये भी मच्छर का काटा हुआ हो सकता है। अगर बच्चे को कहीं पर भी सूजन हो रही है या बच्चे का कहीं भी लिक्विड पानी से निकलने लगता है बच्चे के दाने में से, तो हो सकता है वो भी मच्छर ने ही काटा हो। मच्छर काटते हैं, कुछ मच्छर नॉर्मल होते हैं तो उनके काटने से बच्चे को नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ मच्छर जहरीले होते हैं जिनके काटने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। कुछ मच्छरों के काटने से बच्चे की स्किन पर सूजन आ जाती है, कुछ मच्छरों के काटने पर बच्चे की स्किन पक जाती है, तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतने ही मच्छर आपके घर में कम आएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मच्छर आपके बच्चे को काट लेता है तो तुरंत आप उसका किस तरीके से उपचार कर सकते हैं। काटी हुई जगह पर आप थोड़ा सा बर्फ लगा दें, जिससे कि मच्छर जहां पर बच्चे को काट लेता है वहां पर बच्चे को आराम मिलेगा। मच्छर की काटी हुई जगह पर आप लैक्टोकैलामाइड भी लगा सकते हैं, ये भी उस पर बहुत ज़्यादा आराम देता है। अगर किसी जहरीले मच्छर ने काट लिया है, आपको दिखता है कि बच्चे पर की स्किन पर बहुत मोटा सा दाना हो गया है, तो वहाँ पर आप आयोडेक्स भी लगा सकते हैं। इससे जहर कम हो जाता है और बच्चे की स्किन पे से सूजन उतर जाती है और बच्चे को बहुत ही फायदा होता है। आप बच्चे को उस स्किन पर खुजाने से रोकें। अगर बच्चा वहाँ पर ज़्यादा खुजा लेगा तो हो सकता है कि बच्चे की स्किन पक भी जाए, तो बच्चे को वहाँ पर खुजाने से भी आपको रोकना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ घरेलू उपाय। अगर बच्चे की स्किन पर मच्छर ने काट लिया है तो आप वहाँ पर किस किस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को आराम मिले। सबसे पहले वहाँ आप लगा सकते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो मच्छर के काटने वाली जगह पर भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपके घर में ताज़ा एलोवेरा है तो मच्छर काटी हुई जगह पर आप एलोवेरा लगाइए, इससे बच्चे को बहुत आराम होगा। दूसरी चीज़ जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है टूथपेस्ट। जी हाँ दोस्तों, टूथपेस्ट ठंडक पहुंचाता है और बच्चे को जहाँ पर मच्छर काट लेता है वहाँ पर बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए अगर आपके बच्चे को मच्छर ने काट लिया है ज़्यादा, तो आप वहाँ पर टूथपेस्ट अप्लाई कर दें, इससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। तीसरी चीज़ है बर्फ। आप बर्फ को बच्चे की स्किन पर अप्लाई कीजिए, इससे जहाँ पर मच्छर काट लेता है वो स्किन थोड़ी सी उभर जाती है तो वो नीचे दब जाएगी। लेकिन बर्फ को आप कभी भी एक जगह ना लगाए रखें, इससे बच्चे की स्किन को नुकसान भी हो सकता है। बर्फ को हो सके तो किसी कपड़े में रखकर लगाइए, डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे की स्किन पर नहीं होगा। बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर मच्छर ने आपके बच्चे को काट लिया है तो आप एक ग्लास पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा डालिए और एक टॉवल को उसमें डिप कर लीजिए और उसके बाद उसको बच्चे की स्किन पर रख दीजिए। 10 से 15 मिनट इसी तरीके से रखा रहने दें, इससे भी बच्चे को बहुत फायदा होगा। नमक वाला पानी,
जी हाँ दोस्तों, मच्छर के काटने पर नमक वाला पानी भी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह मच्छर के काटने पर जहर को भी कम करता है और बच्चों को जो निशान हो गए हैं, जो खुजली है, उसको भी बहुत ही फायदेमंद होता है। शहद, शहद दोस्तों एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। मच्छर के काटने, स्किन, हर चीज के लिए शहद बहुत फायदेमंद होता है। शहद को बच्चे के जहां पर मच्छर काट लिया है वहां पर आप लगाकर छोड़ दें, इससे भी बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। शहद लगाने से भी बच्चे की स्किन पर जहां पर मच्छर काट लेता है वहां पर उसको बहुत राहत मिलती है, ठंडक मिलती है और बच्चा उस वजह से नहीं खुजा पाता है। ये कुछ घरेलू उपाय मैंने आपको बताए हैं जो मच्छर काटने पर बच्चे की स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर से कब संपर्क करें? अगर बच्चे की स्किन पर बहुत अधिक सूजन आ गई है या उसमें मवाद पड़ रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपका बच्चा लगातार रो रहा है और हाथ लगाने पर भी बच्चे को वहां पर दर्द हो रहा है, इसका मतलब बच्चे को किसी जहरीले कीड़े ने काटा है और बच्चे को वहां पर बहुत अधिक दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपके बच्चे को बहुत अधिक खुजली हो रही है, बच्चा लगातार वहां पर खुजा रहा है, बच्चे को किसी भी चीज से कोई आराम नहीं पड़ रहा है, तो भी आप बच्चे को जरूर दिखाएं। बच्चे को कभी भी ऐसे समय में जब बच्चा बहुत अधिक परेशान हो तो कोई भी घरेलू उपाय करने की कोशिश ना करें। अगर बच्चे को नॉर्मली मच्छर काटता है, थोड़ा बहुत उसको पेन है, तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बच्चा बहुत अधिक परेशान है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। इंतजार ना करें कि इसको उपाय करने से बच्चा ठीक होगा तब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, देखते हैं। बच्चे के केस में कभी भी ऐसा ना करें। कुछ सावधानियां आप अपने ध्यान में रख सकते हैं मच्छर के काटने से, जिससे आपका बच्चा बच पाए। बारिश के मौसम में कभी भी बच्चे को हाफ कपड़े पहनाकर बाहर घुमाने ना लेकर जाएं। बारिश के मौसम में बहुत अधिक मच्छर फैल जाते हैं, तो बच्चे को हमेशा कवर कर ही बाहर लेकर जाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में नई नई प्रजाति के मच्छर भी पैदा हो जाते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे को अच्छे से कवर करके ही बाहर घुमाने लेकर जाएं। रात को अगर बच्चे को सुला रहे हैं, आपको लगता है कि ओपन में सो रहा है बच्चा, मच्छर आ जाएंगे, तो बच्चे को हमेशा मच्छरदानी में ही सुलाएं, इससे भी बच्चा आपका सेफ रहेगा। घर में बहुत ही अधिक साफ सफाई का ध्यान रखें। किसी भी जगह पानी नहीं भरा होना चाहिए। अगर बारिश के दिन है तो जगह जगह छतों पर कुछ रखा रहता है, पानी भर जाता है, कहीं आपका कोई चीज ओपन है, बाल्टी है, बकेट है, कूलर है, किसी हर चीज को चेक करें। कभी भी किसी भी चीज में पानी नहीं भरा रहना चाहिए। पानी भरी हुई जगह में मच्छर बहुत ही जल्दी पनपते हैं और वो बच्चों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को जब भी बाहर लेकर जाएं तो रोल ऑन लगा दें, जिससे कि मच्छर उनके पास ना आए। लेकिन 2 साल से छोटे बच्चों को रोल ऑन आप उनके कपड़ों पर ही लगाएं और बहुत ही कम मात्रा में लगाएं, क्योंकि बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बच्चे की स्किन पर इसको ना लगाएं। घर की खिड़की दरवाजों को बंद रखें, जिससे कि मच्छर घर में ना पाए। खुले हुए खिड़की दरवाजों से मच्छर बहुत जल्दी घर में आ जाते हैं और उनको भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गर्मी के दिनों में ध्यान रखें, खिड़की दरवाजे बंद रहें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बच्चों को इसी तरीके से आप मच्छर के काटने से गर्मी में बचा सकते हैं, और तब भी अगर मच्छर काट लेता है तो मेरे बताए हुए घरेलू उपाय को आप बच्चे की स्किन पर अप्लाई करें, जिससे कि बच्चे को अगर कोई परेशानी हो गई है मच्छर के काटने से या सूजन आ रही है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस मेरा यही था। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।